तो फ्रेंड्स, ये है ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना इंगेजमेंट के अगले वाले दिन का। तो आज मैं रेडी वेडी हो गई हूँ, थोड़ा बुआ घर भी जाऊँगी अपनी, और सूट जो मैंने सिलवाए थे वो उन्होंने फिटिंग अच्छे से नहीं करी थी, तो वो मुझे फिटिंग अपनी अच्छे से करानी है। और क्या बोलते हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बाइक लेकर नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह बहुत लगता है, तो इसलिए हम ऑटो से जाएंगे, बढ़िया एंजॉय करते हैं। ऑटो का भी सफ़र बहुत अलग ही होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और जो यहाँ पर चलती हैं उसको टर्री कहते हैं, यहाँ पर टर्री भी चलती हैं। तो चलो चलते हैं, पतिदेव जी वेट कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया, और आज रात में हमको निकलना भी है, आज रात के 8 बजे की ट्रेन हमारी। चलो प्रशांत बता क्या कह रहा भैया। मिस्टर चश्मा पहनो पहले, हाँ पहनो, चश्मे से कुछ ज्यादा वो लगोगे क्या? चुलबुल पांडे जी, चलो। तो खोलूं गेट, आज हम बरेली भ्रमण पे जा रहे हैं अकेले। ट्री ट्री ट्री, ये ना बैटरी से चलती है। जितनी देर में कार से जाती हूँ उतनी देर में ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मतलब बहुत उसमें सिर में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग जैसी फील होती है। क्यों भैया, सुभाष नगर छोड़ोगे है ना? और तो फ्रेंड्स, अब पहुंच गए थे हम अलकनाथ मंदिर के पास में। बहुत मन था कि मंदिर के दर्शन करके आऊं, पर थोड़ा सा जल्दी था, शाम की ट्रेन थी, हमें जाना था और तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए मंदिर नहीं जा पाए, बस बाहर से थोड़ा सा व्यू ले लिया था। तो ये हैं हमारे बरेली के सबसे बड़े वाले हनुमान जी अलकनाथ मंदिर के। और जैसे ही हम अलकनाथ मंदिर से आगे होते ना, तो इस जगह तो मैंने शायद जब से होश संभाला है ना तब से यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि क्या बताएं, मतलब 5-5, 10-10 मिनट ऐसे ही यहाँ पर जाम लगा रहता है। और आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर कोई भी मतलब सिग्नल वगैरह बनाना चाहिए यहाँ पर कि जैसे रेड लाइट जले तब इधर के लोग जाएं, इधर के, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जब से हो संवारा तब से ऐसा का ऐसा ही है यहाँ पर। और यहाँ फंस गए ट्रैफिक में, ट्रैफिक क्या बात है, शिकायत देती है और इनको डराने के लिए मैंने बोल दिया था कि मोबाइल छीन के लोग ले जाते हैं, तो इन्होंने बंद कर दिया। बस यहाँ से लिए हैं हमने कुछ फ्रूट बुआ के घर के लिए, मिठाई नहीं ली क्योंकि अभी आप सब शादी वगैरह सब कुछ माहौल चल रहा है, तो फिर मिठाइयाँ मैंने नहीं ली। और पहुँच गई मैं अपनी बुआ के घर, बुआ के पास बैठूँगी, थोड़ी देर बातें करूँगी, उसके बाद फिर मैं गई थी अपने सूट डालने के लिए, जो कि उन भैया ने थोड़ा सा ख़राब कर दिए थे, इस बार कोई फिटिंग नहीं दी थी सूट में। फिटिंग क्या, मैं साड़ी में अपना नाप देकर आई थी और भैया भी कह रहे थे आप बहुत पहले से पतली हो गई हो, तो इसलिए सूट का थोड़ा सा नाप गड़बड़ा गया था। और बस मुझे ना साक्षी मिली थी, साक्षी फिर चली गई थी अपने पढ़ाने के लिए, वो भी टीचर है, पढ़ाती है बच्चों को। तो बस यहाँ पर अम्मा बैठी हुई हूँ, बुआ भी इसलिए नीचे बैठी हुई थी क्योंकि बुआ के जेठ जी आए हुए थे, तो इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, कुछ टाइमिंग अभी यहाँ पर 12 बज रही थी। तो आ गई हमारी नमस्ते नमस्ते, अभी क्या कर रही हैं ये? MSc। अच्छा, MSc कर रही हैं, BSc हो गई कंप्लीट। और तुम? अच्छा 11th है, पंखा बंद कर फिर आवाज़ अच्छी आएगी। अच्छा 11th है ना, फिर उसके बाद 12th के पेपर? 12th के बाद वो तो डमी चलता रहेगा, डमी उम्मी हमें समझ में नहीं आती, मतलब 12th स्कूल से डमी करेंगे, साथ में कोचिंग करेंगे वो। हाँ
आईटी की जेई की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा जेई की तैयारी करोगे, गुड। फिर उसमें अब एग्जाम देंगे, फिर उसमें रैंकिंग आएगी, नंबर आएंगे, फिर कॉलेज होंगे अलॉट। अरे वाह, फिर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो फायदा हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे। अच्छा जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे कॉलेज मिलेंगे। उज्जैन या मत कहो करो, उज्जैन है, उज्जैन ही बोलते हैं। तो बुआ को दर्शन कराएंगे, बढ़िया। हमारे बुआ के तीनों बच्चियां अच्छे हैं, दो लड़कियां और एक लड़का। गायब नहीं, वो पढ़ाने गई, इसको पढ़ाने गई। हाँ, और यहाँ पर मेरी बरेली की हैं, इज्जत नगर पास में ही रहती हैं, शुभांगी सक्सेना करके। तो उनके कॉल का मैं वेट कर रही थी, उनको नंबर दिया था मैंने इंस्टाग्राम पे, उठाई नहीं रही हैं। फिर से तीन बजने वाले हैं, दो बजे से पहुंचेंगे। मैं सोचा कि तीन बजे आ गएगी तब सब काम इनको करवा। हेलो, बढ़िया हूँ शिवांगी जी। हाँ, अच्छे। इसका मतलब डेली वीडियो देखती हो आप? हाँ, देखते हैं। अच्छा, और बताओ। तो शिवांगी जी से मैंने काफ़ी देर बात की, उन्होंने घर आने की रिक्वेस्ट की, पर मैंने कहा घर नहीं आ पाऊँगी। और वैसे मैंने सोचा भी था वहाँ पहुँचने के बाद ताई के घर के लाओ थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ, पर तब तक टाइम हो चुका था, क्योंकि कहीं जाओ आधा घंटा तो लगता ही है, बैठो बातचीत करो। तो फिर इसके बाद वो मुझसे ना स्टेशन पर ही मिलने आ गई थी, आगे आप लोग ब्लॉग में देखना। और बहुत अच्छा नेचर लगा, उनसे काफ़ी देर बात करी। तो बस यहाँ पर फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर। और हमारे यहाँ जैसे आप लोग हमेशा मेरी डेली व्लॉग देखते हो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जब किसी के घर जाते हैं तो इस तरीके से हल्दी चावल या रोली चावल से टीका करते हैं, इसके बाद कुछ दान दक्षिणा दी जाती है। और ये तो मेरी रियल बुआ हैं, तो ये तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत चाहती हैं खाना की, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी खाना खा कर जाओ, पर मैंने नहीं खाया, क्योंकि घर पर यही था, नायशा को छोड़ कर आई हूँ मैं, उसको धूप की वजह से मैं लेकर नहीं आई। और मेरी बुआ ना बहुत मजाक करती हैं, जैसी मैं हंसमुख हूँ ना ऐसी मेरी बुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बस आ गई थी दुकान पर, यहाँ शॉप पर, और यहाँ पर मेरे सूट ना भैया ने वापस से खोल के ठीक किया, फिटिंग करी, और यहाँ पे वापस से प्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बुआ के घर से, जस्ट खाना वाना खा लिया है, और अब हमारी तैयारी हो रही है शाम को जाने की। और आज मेरी नायशा इतना खेली है, इसको छोड़ के गई इसके साथ में। ये हमारी बुआ का बेटा है, तो चलो चलते हैं देखते हैं अंदर। और यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए थे, फैमिली मस्ती चल रही थी, चाय पी रहे थे, सब लोग मेरे ब्लॉग देख रहे थे, और ब्लॉग देख देख के हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे थे, टांग खींच रहे थे। तो ये सब होता है फैमिली में, और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। बस यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी जाते वक्त, बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी लगी थी खाना बनाने में, मम्मी ज़्यादा ताऊ के सामने बैठती नहीं है, बहुत धीरे बोलती हैं। और बस यहाँ पर हो रहा है मेरा टीका वगैरह, और ताई ने मुझे साड़ी दी है, हस्बैंड को भी कपड़े वगैरह दिए। मैंने मना भी किया कि ये सब नहीं दिया जाता एंगेजमेंट में, पर ताई नहीं मानी, और मैंने कहा शादी में दे देना, तो बोले नहीं शादी तो अभी बहुत टाइम है। तो बस मायके की बस यही चीज़ें रहती है, जाते वक्त बहुत बुरा लगता है। जब आ रही थी तो तीन चार दिन पहले से ही सारी तैयारियाँ चल रही थी, और इतनी खुशी थी, एक्साइटमेंट, और जाते वक्त इतना बुरा लग रहा था। मैंने इसीलिए आशा लगाया था, ये बोलो कल कर लो फ्राइडे, मतलब सगाई जाना था, इसमें रुक के व्यवस्थित। मम्मी, नली, रोक मेरे।
कौन लली पली कौन है गीता ना तो मोनिका अच्छा आप समझ ले ले बाहर हां ला गीता अरे ना 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 गीता से मिलो आ रहे हैं आप इधर को हम से तो मिलने को नहीं आप फिर आना जल्दी हां ये जल्दी तो आती रहती है 2 महीने में आ जाती है ए गीतुड़ी जल्दी आ इसको रख लो अंदर अरे ले गीता दीदी तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, काफ़ी इमोशनल टच मिला अभी, ये देखिए अरे अंधेरा, ये हमारे प्रशांत जी, इनकी सगाई थी, हमारे पसंदीदा साले साहब और फिर शादी होगी जल्दी, डेट आएगी तब फिर आएंगे हम लोग। ये हमारे सारू भाई जी, आशु जी, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, नहीं कोई बात हो जाता है। चलो अब जल्दी अब निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। वैसे मैं ग्रीन सूट पहने हुई थी, वो थोड़ा सा पार्टी वियर था और गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा अपना कॉटन का जो सूट है वही ढीला ढाला सा डाल लेती हूँ। और आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये हमारे ताई के घर के बराबर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इज्जत नगर स्टेशन, तो बस वहीं से हमको ये ट्रेन इज्जत नगर वापी वहीं से चलती है, मतलब डायरेक्ट वहीं से बनकर चलती है, इज्जत नगर से ही वापी तक जाती है सूरत के पास। तो बस यहाँ पर, और जब भी मैं आती हूँ अपने ताई के घर तो पीछे ही नर्सरी है, गुप्ता नर्सरी, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं वहाँ से पेड़ ना लूँ, तो एक ना एक पेड़ ज़रूर लेकर जाती हूँ मैं वहाँ से। तो बस हम अपने जा रहे थे कोच डिब्बे की तरफ और यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम। देखो सब पता है, देखो हाँ 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 हम कैमरा मैन लो डालो लो अरे लो भाई मम्मा से परमिशन लेके लेगी फिर थैंक यू अच्छा नमस्ते शिवांगी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, ये टाइम बहुत टफ होता है, भैया आशु प्रशांत सबको बाय कर रहे थे और थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, इसके बाद कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, तो मिलते हैं।